close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। आई एम फ्रॉम टिप्स एंड ट्रिक्स इन रेड चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक शॉर्ट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आप छोटी छोटी डॉट्स को देख सकते हैं जो कि टेबल के चारों तरफ है, इसको हम बोलते हैं डायमंड्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं ब्लैक कलर की, जिसमें हम बॉल्स को डालते हैं, ये भी एक तरह से डायमंड ही है। तो चलिए अब मैं आपको एक बैंक शॉट मार्कर दिखाता हूँ। ये बीच वाली पॉकेट में, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी बॉल कहाँ पर पड़ी है, ठीक है, और आपने बॉल को कहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बीच कितने डायमंड आते हैं ये आपने गिन लेने हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, अभी 1 2 3 4 5 डायमंड हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं 3, ये तो डायमंड हैं ही, और साथ में ये जो पॉकेट है ब्लैक कलर की, ये भी डायमंड ही है। मतलब कि टोटल हो गए 1 2 3 4 5 डायमंड हो गए, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि अब इन 5 डायमंड्स में बीच वाला डायमंड कौन सा है, इन 5 में सबसे बीच वाला हिस्सा कौन सा है, वहाँ पर आपने टारगेट करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 है हमारा बीच वाला डायमंड। और अगर आपको बीच वाला डायमंड ढूंढने में दिक्कत हो तो आप फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले आपने ये देखना है कि डायमंड कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर डायमंड है 5, उसके साथ हमने 1 ऐड कर देना है, 1 प्लस कर देना है, ठीक है। चाहे 3 डायमंड हो या 2 डायमंड हो, जैसे भी डायमंड हो कभी, तो आपने 1 प्लस करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 डायमंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 प्लस कर दिया। सभी के साथ 1 प्लस होगा, 5 प्लस 1 6 हो गए। अब जितना आया 6 आया यहाँ पर, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है 3, ठीक है। अब 3 नंबर वाला डायमंड देख लो, 1 2 3, यहाँ पर हिट करोगे तो सीधे शॉट। अब चलिए हम एक और शॉट ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए सेम है जैसे कि हमने पिछला शॉट खेला था। अभी यहाँ पर 5 डायमंड्स हैं, इसमें से बीच वाला डायमंड कौन सा है, 3, ठीक है। पर अगर नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पर फार्मूले से देख सकते हैं, 5 डायमंड 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, और जितना आया 6 को डिवाइड कर देना 2 के साथ, आ गया 3। और जैसे ही 3 पर हिट करेंगे और ये शॉट। अब इसके बाद अगला शॉट, अब हमारे पास यहाँ पर 3 डायमंड है, ठीक है, 1 2 3। अब इनमें से बीच वाला डायमंड कौन सा है, 2, दिख रहा है ना आपको बीच वाला कौन सा है इनमें से, 2। और अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप फार्मूले से भी देख सकते हैं। फार्मूले के लिए सबसे पहले 3 डायमंड, 3 प्लस 1 जो मैंने आपसे कहा था, 1 लगाना है हमेशा, प्लस करना है, 3 प्लस 1 यहाँ पर हो गया 4। फिर अब 4 को 2 के साथ डिवाइड कर देना, आ गया 2। फिर जैसे ही आप दूसरे डायमंड पर हिट करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा। चलिए अब हम एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 डायमंड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब इनमें से बीच वाला डायमंड कौन सा है। अब आप कहोगे कि इनमें तो डायमंड ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपने सेंटर देखना है, सेंटर कहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप फार्मूले में देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितने डायमंड है वो लिखना है, 4 डायमंड है, 4 डायमंड प्लस 1, 1 आपने प्लस करना ही करना है, ठीक है। 4 डायमंड प्लस 1 कितने हो गए, 5। अब 5 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है, कितना आ गया, 2.5, 2 डायमंड और 1 आधा डायमंड, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, 1 डायमंड, 2 डायमंड और आधा, मतलब कि बीच में मारना है आपने, 3 में नहीं जाना, 1 2 और आधा, मतलब कि बीच में, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर हिट करोगे तो बैंक शॉट हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्रॉब्लम कहां पर होती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 डायमंड है, ठीक है, इनमें से बीच वाला डायमंड जो है वो है 2, और जैसे ही हम 2 पर शॉट मारते हैं तो हमारा शॉट हो जाता है।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, सबसे पहले तो आप देखिए ये जो बॉल है ये नीचे रेलिंग पर टच कर रही है, ठीक है, नीचे टच हो रही है बॉल ये टेबल के साथ। लेकिन जैसे हम इसको बॉल को ऊपर की ओर रखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर रख दिया हमने, अभी भी यहाँ पर तीन डायमंड ही हैं, ठीक है, और बीच वाला जो डायमंड है वो अभी भी दो ही है। लेकिन अब जब मैं शॉट मारूँगा तो ये पॉकेट में नहीं जाएगा, यहाँ पर दिक्कत हो जाती है हमें। तो अब मैं आपको इसका सलूशन बताऊँगा कि इसका सलूशन क्या है, ठीक है। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है कि आपने जिस बॉल को पॉकेट में डालना है, जैसे यहाँ पर ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल को मैंने पॉकेट में डालना है, ठीक है, इसके ऊपर एक सीधी लाइन ज़ूम कर लेनी है, जैसे कि ऊपर एक सीधी लाइन जा रही है ब्लैक के, और जिस पॉकेट में आपने डालना है उसके ऊपर भी एक सीधी लाइन। अब ये करने के बाद हम सेकेंड स्टेप करेंगे। अब आपने यहाँ पर दो टेढ़ी लाइनें खींचनी हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। इस क्रॉस के बीच में अगर आप शॉट को मारोगे तो पूरा परफेक्ट शॉट होगा। अब आप ध्यान से इन लाइनों को देख लीजिए, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And-